बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह का टाइम है, तकरीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, तो हवा माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। रात अंधेरी भी काफ़ी थी, तो अभी हम चारा काटने के लिए आए हैं। क्यों आज खुद काटना पड़ा, क्यों अपने पट्ठों में लगा हुआ था पानी तो दूसरी तरफ काटना था, वहाँ हमारा जो आदमी है काटने वाला वो उधर नहीं आता है, वो सिर्फ अपने ही काटते हैं, तो इसलिए अपने आज खुद काटने पड़े हैं। तो पट्ठे हमारे कटे हुए हैं, सिर्फ रेडी का इंतज़ार है, रेडी आ रही है, उस पर रखेंगे फिर जाएंगे। ये देखें, इनकी तरफ आए हैं पट्ठे लेने के लिए। यहाँ सब्ज़ी लगी हुई माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। ये टिंडे की फसल है, टिंडे लगे हुए हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह छोटा सा टिंडा लगा हुआ है। ये देखें, और आगे ये टमाटर की फसल है। ये देखें, ये टमाटर माशाल्लाह कितने लगे हुए मुकम्मल। ये टमाटर की फसल है। ये हमारे पट्ठे हैं जो कट चुके हैं, पलियों में बांध के रखे हैं, बस रेडी आ रही है थोड़ी देर तक, वो सामने आ रही है। सुबह से उठना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि रोज़ा होता है और रोज़े के साथ कोई काम भी नहीं होता है और गर्मी भी काफ़ी है, इसलिए बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। तो अभी असर का टाइम हो रहा है, सुबह से जैसे चारा लेके आए कमरे में थे, सिर्फ ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर निकले हैं। तो अभी मैं अपने किचन में आया हूँ देखने के लिए कि क्या सूट दे रहा है, क्यों अभी असर की अजान भी हुई, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना मैंने। किचन में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ये लगता है असर के बाद ही कुछ करेंगे घर वाले। ये सिर्फ आलू भर रहे हैं और इधर इन्होंने पकौड़ी और बल्ले भिगो के रखे हुए हैं। अभी लगता है मेन्यू में सिर्फ यही दो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, तो आलू भी लगता है दही पल्लों में ही डलेंगी। तो आगे देखते हैं, अभी नमाज के लिए चलते हैं, अजान हो चुकी है। ये जी इफ्तारी का सामान लेने के लिए आया हूँ। ये जी आज ये हमारी इफ्तारी है। ये दही बल्ले हैं, ये फ्रूट पड़े हैं, सालन आलू दाल का है, ये शामी है, सेब हैं, चावल हैं और ये दूध बन रहा है, और ये दो बोतलें हैं स्प्राइट की है, और ये दूसरी तरफ में ये पुदीना नींबू है, इस जग में डालूंगा और साथ बर्फ़ डालूंगा और लेमन की बोतल डालूंगा इसमें और साथ काला नमक डालेंगे। बस ये मैं अभी जल्दी जल्दी से करता हूँ, क्यों बहुत कम है, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी से करना होगा अभी हमें। तो अभी ये तरावियाँ पढ़ के आए हैं, तो लाइट गई हुई है, लाइट थोड़ी सी हवा चल रही है उसकी वजह से, लाइट थोड़ी सी हवा चले तो लाइट बंद हो जाती है, तो अभी भी लाइट गई हुई है। तो मैं अभी किचन में आया हूँ कुछ देखने खाने पीने के लिए, तो इधर काफ़ी कुछ पड़ा है, ये चावल पड़े हैं, ये लेके जाएंगे खाने के लिए, साथ मैंने दाल डाली है आलू दाल, ये दही बल्ले पड़े हैं। अभी फ़िलहाल ये दो चीज़ें चेक करेंगे हम। तो लाइट है नहीं है, खाने पीने में भी कोई वीडियो नहीं बन सकेगी, तो इरादा यही है वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।